हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अब जाकर बहुत सारे फोन में एंड्रॉयड 15 आ चुकी है, जिसमें AI, सिक्योरिटी और यूजर एक्सपीरियंस जैसे फीचर्स को और भी एनहेंस किया गया है। और इसमें थेफ्ट प्रोटेक्शन और सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जो कि आपको सिर्फ सैमसंग फोन में ही देखने को मिलती है। बट अगर आपके पास कोई सा भी एंड्रॉयड फोन है और उसमें 15 वर्जन है, तो आप ये सारे फीचर्स को आप अपने फोन में यूज कर सकते हो। तो इस वर्जन में और भी कौन कौन सी इंटरेस्टिंग फीचर्स को ऐड किया गया, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपके पास इन्फिनिक्स फोन है तो आपको मैं कुछ बोनस फीचर्स बताने वाला हूँ, जो कि सिर्फ इसी फोन में अवेलेबल है। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यान से देखना है। तो फिर चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी UI की बात करूं तो इसकी ट्रांजिशन और एनिमेशन पहले से ज्यादा स्मूथ हो चुकी है, और इसकी नेविगेशन जेस्टर भी पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो चुका है, और इसमें आपको डार्क मोड भी पहले से ज्यादा फुल्ली ब्लैक देखने को मिलता है। और अगर आपके पास एमोलेड स्क्रीन वाला फोन है तब तो उसकी बात ही अलग है। साथ ही नोटिफिकेशन और कंट्रोल पैनल का स्टाइल भी चेंज हो चुका है, और कुछ फोन में आपको कुछ इस तरीके की म्यूजिक कार्ड भी देखने को मिलेगा। मटेरियल U2.0 के साथ डायनेमिक थीमिंग और भी बेटर कलर परफॉर्म करती है, जिससे आपकी सारी एप्लीकेशन सिस्टम थीम के हिसाब से मैच करता है। पुराने वर्जन में ये एक इशू थी कि जब आप कोई थीम अप्लाई करते हो तो वो गूगल की एप्लीकेशन ही उस थीम के अकॉर्डिंग आइकन्स के कलर मैच करते थे, बट इस वर्जन में ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। अब आप लॉक स्क्रीन के क्लॉक स्टाइल और इसके पोजीशन वगैरह भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब फीचर्स की बात हो ही रही है तो स्टोरेज से रिलेटेड फीचर्स पीछे क्यों रहे? तो अब आप एप्लीकेशन को अर्काइव भी कर सकते हो, जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन को बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हो और उसे आपको अनइंस्टॉल भी नहीं करना है, तो आप अनइंस्टॉल करने की जगह पर आप अर्काइव कर सकते हो, जिससे कि उस एप्लीकेशन का डेटा और स्टोरेज अर्काइव हो जाएगा। अब मैं इसकी प्राइवेसी से रिलेटेड बात करूं तो ये पहले से ज़्यादा और इन्हेंस हो चुका है। इसमें आप थेफ्ट प्रोटेक्शन जैसे फीचर को यूज कर सकते हो, जैसे कि आप किसी पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हो और आपका फ़ोन कोई अचानक से छीनकर भागने लगता है, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपका फ़ोन को लॉक कर देगा, जिससे कि आपकी फ़ोन की डेटा और प्राइवेसी सेफ रहेगी। और इसमें आप ऑफलाइन डिवाइस लॉक जैसे फीचर्स को यूज कर सकते हो और रिमोट लॉक को भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका फ़ोन चोरी हो गया तो आपके फ़ोन में यूज रिमोट लॉक ये इनेबल है ये फीचर्स। तो आप अपने फ़ोन को लॉक करने के लिए आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर लगेगा और आपको बस यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना, फिर यहाँ पर लॉक डिवाइस पर क्लिक करोगे तो आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा। और भी बहुत सारे फ़ोन में प्राइवेट स्पेस, पार्शियल स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिटेक्शन जैसे फीचर्स अब एंड्रॉयड 15 वर्जन में अवेलेबल है। जैसे कि आप किसी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन में किसी स्पेसिफिक फोटो या फिर वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो पुराने वर्जन में आपको सारी मीडिया फाइल का एक्सेस देना पड़ता था, बट इस वर्जन में ऐसा नहीं है। बस आप उस स्पेसिफिक वीडियो या फिर फोटो को सिलेक्ट करके शेयर कर सकते हो, आपको मीडिया फाइल को पूरी एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, सर्कल टू सर्च एक ऐसा फीचर्स है जिसका नाम सुनते ही लोगों को सैमसंग गैलेक्सी ही याद आता है, क्योंकि ये फीचर सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी ने ही दिया था। अब इस फीचर्स को यूज करने के लिए सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन तो लोगे नहीं, क्योंकि आप सबसे पहले ये देखो। यही देखकर लोग इस फीचर्स को भूल जाते हैं और यूज नहीं कर पाते, बट कोई बात नहीं, अब आप कोई सा भी फ़ोन में इस फीचर्स को यूज कर सकते हो, बट उस फ़ोन में एंड्रॉयड 15 होनी चाहिए। अब इस फीचर्स को यूज करने के लिए आपको होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है तो आपको ये फीचर्स इनेबल हो जाएगी। बस आपको जो भी चीज़ें सर्च करना है आप वहाँ पर सर्कल कर दो तो वो चीज़ें फाइंड हो जाएगी। और भी इसकी AI फीचर्स की बात करूँ तो Google TV AI सजेशंस, Wear OS अपडेट्स, फास्ट पेयर इम्प्रूवमेंट्स एंड Google वॉलेट एडिशन जैसे फीचर्स को इनबिल्ट किया गया है। अब मैं कैमरा इंप्रूवमेंट की बात करूँ तो लो लाइट फोटोग्राफी, थर्ड पार्टी ऐप कंट्रोल्स एंड बेटर प्रीव्यू परफॉर्मेंस, कुछ पिक्सेल डिवाइस में इंस्टाग्राम लो लाइट और ऑडियो मैजिक इरेजर इंप्रूवमेंट भी की गई है। और इसके वॉल्यूम पैनल का भी स्टाइल चेंज हो चुका है, इसे यूज करते टाइम एडेप्टिव हैप्टिक्स वाइब्रेशन फीडबैक के साथ और भी कूल लगता है। फ्रेंड्स, अब इन्फिनिक्स फोन में जो अलग से फीचर्स दिए गए हैं मैं उसकी बात करने वाला हूँ। जैसे मैं इन्फिनिक्स AI में आता हूँ तो इसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया, सर्कल टू सर्च, AI वॉलपेपर जनरेटर, AI नोट, राइटिंग असिस्टेंट और भी बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया, जैसे कॉल असिस्टेंट। जब मैं इस पर टाइप करता हूँ तो आपको AI ऑटो आंसर का ऑप्शन मिलता है, कॉल समरी, रियल टाइम कॉल ट्रांसलेटर देखने को मिलता है, यानी कि आप कॉल पे लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। बस आपको रियल टाइम कॉल ट्रांसलेटर को बस इसे इनेबल कर लेना और इसमें आपको जो भी लैंग्वेज को सेट करना आप ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। अब आप जब कॉल करोगे तो आपको यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से लाइव ट्रांसलेट पर क्लिक करके आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो।
अब इसमें जैसे कि AI ऑटो आंसर दिया हुआ है, तो आप जैसे कि फ़ोन को रिसीव नहीं करते हो तो वो सामने वाला इस AI असिस्टेंट से बात कर रहा होगा। और आप यहाँ पर नीचे देखोगे सोशल असिस्टेंट या कॉल समराइजेशन और ट्रांसलेटर जैसे फीचर्स देखने को मिलता है, यानी कि अब आप WhatsApp पर भी लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको नीचे AI वॉलपेपर जनरेटर देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक करोगे फिर ट्राई पर क्लिक करोगे तो अब आप यहाँ से कोई सा भी प्रॉम्प्ट लिखकर आप किसी भी इमेज को जनरेट कर सकते हो। इसमें जितनी सारी फीचर्स दिख रही है ये सारी AI पे बेस्ड है, और इसमें डायनेमिक बार को भी काफ़ी हद तक अपडेट किया है। और अब आप स्मार्ट पैनल में रिसेंट इमेज और डॉक्यूमेंट जैसे फीचर्स को भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये थी कुछ एंड्रॉयड 15 की कुछ फीचर्स। अब हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपके फ़ोन में कौन सा करंट वर्जन चल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक जरूर करना, और ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।